जो जनरल नियाजी थे उसने पाकिस्तान को दो टुकड़े किया और इसने बचा कुचा जो हमारा पाकिस्तान है उसका इसने पट्टा बैठा दिया। क्या कमेंट करें? नहीं, ये तो हकीकत है ना, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 71 में एक नियाजी थे, उन्होंने मुल्क को तोड़ा और उसके बाद हथियार डाल दिए और वो आज तक मानते नहीं है हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो उल्टी उल्टी बातें करते हैं। लेकिन ये कि अब जो बाकी बचा कुचा पाकिस्तान है उसका पट्टा जो है वो इमरान खान नियाजी साहब ने बिठा दिया है। जाहिर है जब आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो आपने हटना भी है, ये एक कहना चाहिए हटना होता ही है। और पाकिस्तान में तो हर एक जो है वो चला जाता है 4 साल में 3 साल में। और जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि आप खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ और मुझे तो टीम बुरी मिली, ये भी कहा खान साहब ने, अपनी टीम को भी एक बार कह दिया था कि मुझे तो टीम सही नहीं मिली, तो बस ठीक है फिर आप जाइए इज्जत के साथ निकल जाइए। अगर लोग नहीं पसंद कर रहे दोबारा आपको मौका मिला तो दोबारा आइएगा और अपनी गलतियां जो अभी की है उनसे कुछ सीख लीजिए, लेकिन वो तो मतलब किसी और ही मूड में लग रहा है एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि आम पब्लिक नाराज है इमरान खान साहब से। बहुत महंगाई हो गई है, लोगों को जॉब्स का प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे सबसे कम लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता खान साहब जो है वो कौन से सैयारे पे रहते हैं, क्या चीज वो खाते हैं या क्या चीज वो पीते हैं, कौन से नशे में रहते हैं कि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई परेशान नहीं है, लोगों के पास जॉब्स है, लोगों के पास खाने के लिए है और कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी आम लोगों में उठते बैठते हैं, मैं भी, सब लोग यही बात करते हैं कि जी बहुत परेशानी है, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब बार बार उस बात को इनकार कर रहे हैं बजाय इसके कि उस बात को एक्सेप्ट कर लें। और अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने कई बार उन्होंने महंगाई के ऊपर जो है आप जानते हैं कि नोटिस लिया, तो नोटिस किस बात का था, ऐसे खामा खाई था। कई बार न्यूज आई है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया महंगाई का, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया कि जी हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम है, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया कि लोग जॉबलेस हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, खुदकुशियां तक की हैं लोगों ने। अच्छा अब एक चीज और है, हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी जो $1600 के आसपास थी वो आ गई है $1100 या $1200 के ऊपर जो है वो आ गई है। इस तरह की बाकी चीजें, हमारे जो डेट्स हैं फॉरेन डेट्स, इन कर्जे हमारे बढ़ गए, बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ गई, महंगाई का ये हाल है कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो घी और तेल है खाने वाला 500 पर केजी एंड पर लीटर है, ठीक है, जो ए ग्रेड क्वालिटी का है, बाकी जो दूसरे हैं वो भी 450 के आसपास चल रहे हैं। ये हालत है, इसके बावजूद भी खान साहब कहते कि नहीं मैंने इकोनॉमी को ऐसा चलाया है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। नहीं भाई, मैं कह रही हूँ ना कि गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है और अगर खान साहब इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है तो आप कैसे उनसे मनवाएंगे। अगर वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस को अगर बात की जाए तो वो कहते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी भी बिल्कुल ठीक है, हेल्थ सेक्टर भी सही है, एजुकेशन भी बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है, तो अगर वो नहीं मान रहे तो हम एक मतलब पढ़े लिखे आदमी है, मेच्योर आदमी है, उनको कितनी देर कोई बताएगा, उनको मीडिया बता रहा है, उनको सोशल मीडिया बता रहा है, उनके एडवाइजर्स कुछ ना कुछ तो बताते होंगे, वो खुद भी कुछ ना कुछ तो देखते ही होंगे। लेकिन अगर वो इस बात को उन्होंने तय कर लिया है कि मुझे मानना ही नहीं है तो ना मानने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। ये बात आपकी ठीक है कि एक तो मतलब उनको ये आदत हुई हुई है कि अपनी मतलब सेल्फ प्रेजिंग जो है उनको बहुत ज्यादा ये आदत है, वो करते रहते हैं, उनके लोग भी बस ये कहते हैं कि जी खान साहब जैसा वर्ल्ड लीडर और पता नहीं क्या क्या चीजें, हालांकि अंडरग्राउंड जो चीजें हैं जब भी पीटीआई के लोगों से बात होती है तो उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई आप लोग डिलीवर करें ना, कि आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है कि जी आप जिसे कहते हैं कि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा, हालांकि मीडिया ने इस हुकूमत का जितना साथ दिया है, अगर इससे पहले की हुकूमतों का, आसिफ अली जरदारी साहब की जो 5 साल टेन्योर है या फिर मियां नवाज शरीफ का 2013 से 2018 तक है, यकीन करें मैं कहता हूं कि अगर इसका आधा भी शायद साथ देते तो मेरे ख्याल में उनकी हुकूमतें भी अच्छी चलती और शायद पाकिस्तान आगे भी जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मीडिया को कहीं और से सिग्नल्स मिलते हैं और वो फिर उसी तरीके से कर रहे होते हैं। नहीं, अगर अगर वो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो अगर वो सोशल मीडिया को सुन लेते हैं, अगर वो यूट्यूबर्स को सुन लेते हैं, वो उनके अपने रखे हुए यूट्यूबर्स नहीं जो अजीब गरीब किस्म की बातें करते हैं, बल्कि जो लोग वाकई में ऐसी बात करते हैं कि मुल्क की बता रहे होते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे काम करने की जरूरत है, अगर वो उनको अपने ऊपर ले जाने के बजाय कि मेरे ऊपर तनकीद हो रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके बजाय उस चीज को सुन के अपनी चीज को सही कर लेते तो शायद आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इमरान खान की प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है या जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है सबको बोलो हमें कुछ ना बोलो कि जी हम कुछ गलत कर रहे हैं, वो अपने आप को जो है समझते हैं कि जो काम कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। लेकिन अगर ये यही अगर ईमानदारी से अगर ये लोगों की बात सुनने लगे और इसको अपना मसला ना बनाए कि जी मैं ऐसे कैसे सुन लूं, तो शायद पाकिस्तान आज बहुत आगे जा सकता था या जा सकता है अगर अभी भी ये लोग संभल जाए।
अच्छा एक तो एक चीज और भी खान साहब कह रहे हैं कि उनका कहना था कि बाहर से हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है, इस साजिश का हमें महीनों से पता है, ये जो एक ये जो आज कातिल और मकबूल इकट्ठे हो गए और इनको इकट्ठा करने वाले का भी हमें पता है, ये जुल्फिकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। किसको मैसेज देना चाह रहे हैं, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से? वैसे खान साहब कभी जाके गिरेबान पकड़ते हैं, कभी जाके पांव पकड़ते हैं, तो यहाँ पे भी मैसेज क्या उनको दे रहे हैं? नहीं, बात यही है ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो कभी कॉलर पकड़ते हैं और उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन जब वो आंखें दिखाते हैं तो उधर ही खान साहब जो है ना कॉलर छोड़ के पाँव पकड़ लेते हैं। तो वो अभी भी यही कर रहे हैं, पहले उन्होंने आंखें दिखाई और जैसे ही वहां से आया कि चलो भाई निकलो फूटो यहाँ से, तो खान साहब ने डाइव लगाई और सीधे सीधे पाँव पकड़ लिया कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो मुझे वही चीज यहाँ लग रही है, बैरूनी ताकत अगर नाम बता दीजिए ना, किस कंट्री की बात कर रहे हैं, अमेरिका की कर रहे हैं, चाइना को कह रहे हैं कि चाइना निकलवा रहा है इनके कई लोग जो है, अगर नाम बता दिया फिर तो पस जाएंगे ना। हाँ तो बता देना, बोले अगर इतनी हिम्मत कर रहे थे बता देना, इनके 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 पार्टी के कई लोग हैं फखर जो कह रहे हैं जी चाइना निकलवाना चाह रहे हैं, मतलब चाइना को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, चाइना को अपने पैसों में इंटरेस्ट है, अपने प्रोजेक्ट्स में, इनमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है? लेकिन लेकिन चाइना का बेड़ा इस तरीके से गर्क किया कि उन्होंने सीपैक को रन किया और सीपैक पे काम शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही खान साहब आए तो उन्होंने ऐसा मतलब उनका उनका भी पट्टा बिठा दिया, उनको मतलब उनको भी जिसे कहते हैं वो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं रुलाऊंगा, उनको भी रुलाया है। हाँ, रुलाने से मुझे आपके याद आया कि अगर लोग आज की स्पीच देखें इमरान खान साहब की, तो कई जगह पे ऐसा लगा जहाँ पे वो आगे एक घंटे के बाद अगर लास्ट आवर में जो उन्होंने जो कुछ बात की, मुझे कई जगह ऐसा लगा खान साहब रो पड़ेंगे। मैं तो इंतजार कर रही थी, मैंने कहा जैसे ही रोएंगे मैं जल्दी से पिक्चर बना लूं, लेकिन खान साहब ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा था कई जगह मुझे लगा कि बस आंसू जो है ना उनके इधर आके रुक गए। तो वो बहुत परेशान है और उनके लिए बेहतर यही है कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें, घर चले जाएं और बाद में अपनी जो गलतियां हुई हैं उनको चेक करें और दोबारा जब इलेक्शंस हो दोबारा कोशिश करें और आइंदा के लिए जो है अपनी टीम पे खास नजर रखें। ये नहीं कि जो आपके वाह वाह कर रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं आप उनको ले आए और उसके बाद एक एक करके सब भाग गए। ये जो कई उनके लोग जो है वो तो कब के दौड़ भी चुके हैं यहाँ से और वो कह भी रहते हैं नूर आलम खान साहब के इनके नाम डाल दें ECL में, तो सबसे पहले तो खान साहब का डाल दें, इसलिए कि खान साहब भी अभी मुझे लग रहा है कि बस अभी गए कि तभी गए, किसी दिन खबर आएगी कि इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गए, तो पता नहीं उन्हें उड़ाना भी आता है कि नहीं, लेकिन क्या कोई उड़ा ही देगा, पायलट होगा कोई बात नहीं, नहीं पायलट होता है ऑफिशियल, नहीं तो गूगल करके चला दे, गूगल में हर चीज लिखी होती है। वो इंडियन मूवी थी, वो मुझे उसका नाम भूल रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि वो जहाज उड़ा रहे होते, कहते ये वाला बटन नहीं ये वाला दबाना था, तो खान साहब के साथ